हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 12 प्लांट लोकेशन जो हमारा चल रहा था, उसमें हमने पार्ट वन और पार्ट टू कर लिए थे। ठीक है, पार्ट वन और टू की अगर हम बात करें तो हमने मीनिंग पढ़ा था, फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग ऑफ साइट हमने ये पढ़ा था टॉपिक। एल्फ्रेड वेबर्स की थ्योरी हमने पढ़ी थी इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्लांट लोकेशन हमने पढ़े थे। इसमें हम करने वाले हैं सर्गेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। जो सर्गेंट फ्लोरेंस थे, उन्होंने भी क्या थ्योरी दी थी इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, एक तो वो, और गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन के टूवर्ड्स में, वो, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन डिसीजन, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं प्लांट लोकेशन के, वो हम इसमें पार्ट थ्री में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से पार्ट थ्री को करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं और इस पार्ट को जल्दी से अब शुरू करते हैं। तो जैसे वेबर्स ने अपनी थ्योरी दी थी, उसी तरह सर्गेंट फ्लोरेंस थे, इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी थी इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। इन्होंने क्या कहा था, इसको थोड़ा रीड करते हैं। सर्गेंट फ्लोरेंस हैज गिवन हिज थ्योरी अबाउट इंडस्ट्रियल लोकेशन, उन्होंने थ्योरी दी थी इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, विच हैज बिकम पॉपुलर, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। ठीक, ही स्टार्टेड विद द आइडिया दैट सम ऑफ वेबर्स असम्पशंस आर नॉट रियलिस्टिक। ये इस आइडिया पर उतरे, ये इस असम्पशन पर उतरे, मतलब इनका ऐसा मानना था कि जो भी असम्पशंस वेबर्स ने दी हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, मतलब सच नहीं है वो। अकॉर्डिंग टू हिम ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, वेबर्स ने कहा था कि लोकेशन जरूरी है, लेकिन इन्होंने, इनका ये मानना था कि ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडस्ट्री के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्यूपाइड पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, डिस्ट्रीब्यूट है बहुत ज्यादा। हिज मेन कंसिडरेशन इज दैट ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इनकी जो मेन, जो इनका सोचना था वो ये था कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है पॉपुलेशन का, मतलब कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो एंगेज है इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में, उनका प्रोपोर्शन कितना है वो जानना इनका मेन कंसिडरेशन था। ठीक है, पॉपुलेशन शुड बी द मेन एंड प्राइमरी फैक्टर फॉर टेकिंग, वही चीज अभी भी मैंने बताई, वही चीज है इसमें। ठीक है, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट दिए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। हिज थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन इंडक्टिव एनालिसिस, जो इनकी थ्योरी थी वो इंडक्टिव एनालिसिस पर बेस्ड थी। एंड वाइल एक्सप्लेनिंग लोकेशन फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री, ही हैज टेकन इन टू कंसिडरेशन लोकेशन फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। देखो वही चीज, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे अपनी थ्योरी में, वो क्या थे, एक तो लोकेशन फैक्टर और एक कोफिशियंट ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है, अब ये लोकेशन फैक्टर क्या है, इट इज एन इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन बताता है एक इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, लोकेशन फैक्टर ये था। कोएफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये इंडिकेट करता है कि कितनी टेंडेंसी है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की टू कंसंट्रेट और डिस्पर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में वो कितना और ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है उसकी टेंडेंसी ये बताता है। ठीक है, तो ये थी सर्गेंट फ्लोरेंस की थ्योरी और उनके दिए हुए कुछ दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन की तरफ गवर्नमेंट पॉलिसी की क्या क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी एक बेसिक सी चीजें हैं इसमें, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कंपटीशन एक्ट इसका पहला पॉइंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑल टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, मतलब मार्केट में कंपटीशन को ये प्रमोट करते हैं पूरा, इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जिससे कि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट जो है बना रहे, एंड टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स है उनको फ्रीडम ऑफ ट्रेड मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट था तो कंपटीशन ट्रेड। फिर आगे है प्रोहिबिटिव मेजर्स। ठीक है, ये कुछ मेजर्स लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अ लोकेशन बाय इंपोजिंग हैवी टैक्सेस, ये हैवी टैक्सेस लगाते हैं। इट कैन स्लैप फाइंस ऑन पॉल्यूटिंग यूनिट्स, मतलब कि जो भी गलत चीजें हो रही है मार्केट में, जो भी गलत चीजें बन रही है, उन पर ये हैवी टैक्सेस लगाते हैं, जिससे कि वो चीजें बंद हो जाए या फिर कम क्या, वो बंद ही हो जाएंगी जब उन पर टैक्स ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगाती है ऐसी जगहों पर या फिर ऐसी यूनिट्स पर जो कि खराब सामान बना रही है या फिर खराब कुछ मार्केटिंग उसमें हो रही है तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप्स टू एनकरेज डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री, एनकरेज करती है इंडस्ट्री को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, कि इंडस्ट्री जो बनी हुई है वो और ज्यादा बढ़ जाए, और ज्यादा डिस्पर्स हो जाए, या फिर कहें तो और ज्यादा वो एक्सपेंड हो जाए अपनी जो भी उनकी प्रोडक्शन यूनिट है वो, उसको बढ़ाए, मार्केट को बढ़ाए अपने। इसको थोड़ा रीड करते हैं। मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल इन सेमी अर्बन एरियाज, सेंटर्स लाइक माइसोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम हैव बीन एक्टिवली प्रमोटेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन एरिया दैट हैव ऑल फैसिलिटीज इन प्लेस। तो ये क्या करते हैं, उसको एनकरेज करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल करते हैं सेमी अर्बन एरियाज में, जैसे कि माइसोर हो गया, विजयवाड़ा हो गया, विशाखापट्टनम, यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल करते हैं उनको, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई, ठीक है, रोड, रेलवेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, जिससे कि ये और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट को उन एरियाज में जहां पर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सके लोग,
उन जगहों के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, इसलिए और ज़्यादा इंकरेज करते हैं इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन की तरफ। आगे हमारा इस चैप्टर का और इस पार्ट का एक लास्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन डिसीजन। तो क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट लोकेशन की, हमें प्लांट लोकेशन क्यों सोचनी चाहिए पहले, उसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें, आइडियल प्लांट लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कैटेगरी। प्लांट लोकेशन क्यों जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज में जरूरी है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विसेज में भी। मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए क्योंकि हम बनाएंगे जब उस चीज को, तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी पहले कि वहां पर अगर हमें कोई चीज बनानी है, वहां पानी की जरूरत है उस चीज को बनाने में, तो वहां पानी अवेलेबल है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वहां अवेलेबल है या नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी उतना ही जरूरी है और सर्विस कैटेगरी में भी, अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वहां पे जाने का आने का रास्ता है या नहीं, वो सब चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, जब वो सारी चीजें होंगी तभी एक बिजनेस अच्छे से चल पाएगा, तो प्लांट लोकेशन इसलिए यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड पॉइंट हमारे इसमें आता है, वंस प्लांट इज सेट अप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, एक बार अगर कोई प्लांट एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सेट हो गया, ठीक है, इट इज कंपेरेटिवली इमोबाइल एंड कैन बी शिफ्टेड लेट ओनली एट अ कंसिडरेबल कॉस्ट एंड इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन। तो हम उसको हटा नहीं सकते, अगर हम उसे हटाना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगानी पड़ सकती है और प्रोडक्शन में भी इंटरप्शन होगा, मतलब उस प्रोडक्शन को हमें रोकना पड़ेगा पहले, फिर हम उस प्लांट को कहीं और जाके लगाएंगे। इसलिए हमें पहले ही उस प्लांट को सही लोकेशन को चूज कर लेना चाहिए उस प्लांट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, अगर एक बार वो प्लांट सेटअप हो गया गलत लोकेशन पर तो उसको हटाना वहां से इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है और बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है उसको हटा के कहीं और ले जाना। ठीक है, द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल व्हेन अ फर्म इज लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट फैक्टर्स आर अवेलेबल। अगर हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस करनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होगी हम सेल करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा उससे, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट तभी रिड्यूस हो सकती है जब हम ऐसी जगह पर अपना प्लांट लगाएं जहां पर प्रोडक्शन की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों, सारे फैक्टर्स हमें मिल जाएं वहां पर, तो तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है और उसके बाद हमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छी एक जगह होनी चाहिए उस प्लांट के लिए। ठीक है, द लोकेशन चॉइस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी न्यू फर्म फॉर इट्स सक्सेस। एक लोकेशन की जरूरत है किसी नए बिजनेस के लिए और उसकी सक्सेस के लिए, बिकॉज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज इज टू मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट्स विच कैन बी डन आइदर बाय इंक्रीजिंग सेल्स। हम कोई भी अपने प्रॉफिट्स अगर हमें मैक्सिमाइज करना है, अपने प्रॉफिट्स अगर बढ़ाने हैं, तो या तो हम सेल्स बढ़ा सकते हैं अपनी तब बढ़ेंगे हमारे प्रॉफिट, या फिर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने इससे ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा, कैसे कम हो सकती है, जब हम अपनी प्रोडक्शन सही जगह पर करें। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट्स दो तरीके से हो सकता है, या तो हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं या फिर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दें। ठीक है, तो दोनों ही चीजों के लिए हमें लोकेशन एक अच्छी हमारे पास होनी ही चाहिए। ये थी एक इंपॉर्टेंस इसकी। If an enterprise is located near its potential market, then the organization can have better and up-to-date understanding of the market. अगर हमारा enterprise है, हमारा कोई plant है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर market बहुत पास है जिस जगह से, तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा आसानी होगी, हम अपडेट रहेंगे बिल्कुल कि market की क्या demand है। ठीक है, market में जो consumers आ रहे हैं, जो customers आ रहे हैं, उनकी क्या demand है, और हमें सब कुछ पता रहेगा कि क्या varieties हमें लानी चाहिए, क्या product हमें लाना चाहिए। ठीक है, अगर हम मार्केट के पास होते हैं तो, एंड दस कैन फॉर्मुलेट मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज सेल्स, और हम और ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्शन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो भी रहती है वो हम आसानी से जान सकते हैं अगर हमारा लोकेशन जो है मार्केट के पास है तो। ठीक है, था एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर नंबर 12 का और पार्ट 3 का। ठीक है, अभी तक हमने काफी सारी चीजें इस चैप्टर नंबर 12 में पढ़ ली हैं। पार्ट 1 और 2 अगर नहीं देखा तो उनको जाके देखो, पार्ट 3 भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 3 के मिला के, मतलब पार्ट 1 2 और 3 तीनों के मिला के हमने एक टॉपिक्स कर लिए हैं। पार्ट 1 2 नहीं देखा तो उनको जाके देखो, पीछे के चैप्टर्स अगर नहीं देखे तो उनको जाके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।